हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे पुणे में जो रिंग रोड है उसे फाइनली मंजूरी मिल चुकी है और जून के एंड में या जून में अभी जो शुरू होने वाला है ये मंथ, इसमें उसे उसकी कामकाज शुरू हो जाएगा। मतलब जो ज़मीन अधिग्रहण का काम है वो शुरू होने वाला है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो इस महीने में या मतलब जून से उस पर काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में, कितने फेज़ में पूरा होगा और कहाँ से कहाँ तक बनेंगे फेजेस जो पूरे पुणे को कवर करेगा। अराउंड द सिटी जो पिंपरी चिंचवड़ है, इस सिटी की जो ट्रैफिक है इसे डाइवर्ट करने के लिए ये रिंग रोड बनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस रिंग रोड के बारे में। ये रोड जब पूरा बनेगा तो पूरी इसकी लेंथ होगी 105 किलोमीटर। जब ये पूरा बन जाएगा, दोनों साइड से ये 2 लेन का रोड बनेगा। इसमें पूरे 8 फ्लाईओवर होंगे, 4 BGs होंगे ओवर रेलवेज के लिए, और 14 सबवे रोड्स होंगे, 13 टनल्स होंगे। और इसकी जो पूरी कॉस्ट आने वाली है वो 1.5 बिलियन डॉलर होगी, और हमारी 104 बिलियन रुपीस इसका पूरा कॉस्ट लगने वाला है। इसके लिए जो लैंड लगेगी वो 48 हेक्टर्स जो होगी वो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड होगी। मतलब गवर्नमेंट की ऑलरेडी जो लैंड है ये 48 हेक्टर्स होने वाली है, और 25 हेक्टर्स जो होगी वो प्राइवेट ओन्ड लैंड होगी। मतलब जो लोगों की, किसानों की जो लैंड होगी ये गवर्नमेंट ओन करेगी, अक्वायर करेगी। तो चलिए हम जानते हैं इसके फेज़ बारे में, कितने फेज़ों में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसके 4 फेज़ होने वाले हैं, जो पूरा होने वाला है 4 फेज़ों में, और कहां से कहां तक ये फेज़ बनेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो फेज़ होगा वो थेऊर फाटा से NH9 को जोड़ेगा। आई थिंक पहला जो फेज़ है इस पर काम शुरू भी हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूज़ में आया था पहला फेज़ जो है उस पर काम शुरू भी हुआ था। 25% इस पर काम पूरा हो चुका था। बाकी फेज़ों में जो था वो कॉस्ट की प्रॉब्लम थी शायद, तो इसलिए इसमें पेंडिंग था, और अभी उसे फाइनली मंजूरी मिल चुकी है। तो चलिए हम जानते हैं इन फेज़ के बारे में कहां से कहां तक होगा। इन फेज़ों के बारे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मेरे पास जो है ये पूरे जितने भी गांव इसमें जाने वाले हैं सब गांव की लिस्ट मेरे पास है, और आपको अगर चाहिए तो कमेंट में बताना अगर आपको किसी गांव का नाम चाहिए तो, वरना इस फेज़ के अंदर भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम फेज़ में जो गांव आने वाले हैं या जो मेजर सिटी या छोटा टाउन आने वाला है ये देखते हैं कहां से कहां तक है। ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप शायद ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखो वरना स्किप कर सकते हो। फेज़ 1 जो है वो थेऊर फाटा से NH9 से शुरू होगा, जो केसनांद, वाघोड़ी, चारहोड़ी, बावड़ी, तुलापुर, आलंदी, केड़गांव, चिमड़ी और NH50 को जाकर मिलेगा। उसके बाद फेज़ 2 जो शुरू होगा वो NH50 से शुरू होगा, और चिमड़ी मोई से शुरू होकर निघोजे, संगुरड़े, शेड़ारवाड़ी, चनखेड़, पचने, पिंपलोली, रीहे, गोटावड़े और पिरांगुट फाटा तक जाएगा। शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, अगर गलत कह रहा हूँ तो आप करेक्शन कर लेना। ओके, यहाँ तक ये फेज़ 2 होने वाला है। फेज़ 2 जो ख़त्म होगा पिरांगुट फाटा से, वहाँ से फेज़ 3 शुरू होने वाला है। पिरांगुट फाटा से भूगाँव, चांदनी चौक, अम्बे गांव और कातरज तक ये फेज़ 3 का काम होगा। ओके, और फेज़ 4 का जो काम है अम्बे गांव, कातरज, मांगदेवाड़ी, वड़ाचीवाड़ी, होलकरवाड़ी, वाड़कीनाका, रामदरा और थेऊर फाटा NH9, जो फेज़ 1 का काम जहां से शुरू होगा वहां जाके ये ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो सर्कल होगा पूरा हो जाएगा पुणे के अराउंड, सिटी के अराउंड। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो अगर आप लोगों को इनके बीच भी जो सारे बहुत सारे छोटे छोटे गांव होंगे, टाउन्स होंगे, उनकी लिस्ट भी है मेरे पास, लेकिन थोड़ी वो ब्लर इमेज है तो इस पर मैं पोस्ट नहीं कर सकता, कुछ भी दिखेगा नहीं। अगर आप लोगों को वो इमेज चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना उसमें आपका गांव अगर आपको देखना है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।